है देखो, आवाज़ नहीं आता ना। हाँ, सिटी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। सबसे पहले मैं इस स्कूल के डायरेक्टर गोपी कृष्ण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस शिविर के माध्यम से यहाँ के हम लोग के क्षेत्र के जो भी गरीब लोग हैं उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं, तो इस शिविर के माध्यम से वो अपना इलाज करा सकते हैं। लगभग यहाँ 40 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, हर तरह का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है, साथ में दवा भी वितरण किया जा रहा है। अभी लगभग 300 लोग लाभान्वित हुए हैं और 5 मई तक शिविर चलेगा, जो भी लोग आएंगे सबका होगा। ये जो जांच शिविर लगा हुआ है जीएस वेलफेयर फाउंडेशन और सिटी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा, इसमें यंग एनर्जेटिक जो जीएस वेलफेयर फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अभिनव आनंद और प्रेसिडेंट उमेश जी और यहाँ के पार्षद विनोद जी, ये लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो सबसे बड़ा धर्म है प्रोफेशनल्स होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, जो समाज को कुछ दे सकते हैं सेवा, वो सबसे बड़ी सेवा है जो ये लोग कर रहे हैं। और इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर इस तरह का आयोजन इन्हें करना चाहिए। और भी जो चिकित्सक लोग हैं जो आसपास के हैं और जो समाज के हैं, उन लोगों को इसमें हिस्सेदारी, निःशुल्क सेवा में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे समाज का कुछ हद तक वो भला कर सके। मैं डॉक्टर रितेश राज, प्रोफेसर एंड हेड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में हूँ। देखिए, ये जो फ्री मेडिकल कैंप है ये जीएस वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से लगाया गया है इन एसोसिएशन विद सिटी इंटरनेशनल स्कूल। इसमें लगभग 40 से 50 डॉक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, जो अलग अलग संस्थान से हैं, LNJP से हैं, IGMS से हैं, PMCH से हैं, NMCH से हैं, लगभग सारे सरकारी संस्थान से यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जिसमें हम लोग सारे यहाँ के जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे सेवाएं दे रहे हैं, जैसे एलोपैथी हो गया, डेंटल हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, होम्योपैथी हो गया और डेंटल चेकअप हो गया, फ्री मेडिसिन हो गया, पैथोलॉजी हो गया, सभी तरह का खून जांच लगभग हड्डी से रिलेटेड, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग सारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस हेल्थ कैंप का मोटो यही है कि यहाँ आज के व्यस्तता वाले जीवन में जो लोग अपने स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं उनमें थोड़ा जागरूकता भरा जाए, यही इस कैंप का मोटो है। कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? सुबह 10 बजे से स्टार्ट था, लगभग 500 से अधिक लोग यहाँ पे।